मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई और पार्टी आती है तो हमारा हिंदुस्तान खतरे में होगा, जरूर होगा। जी अगर हट गया तो देश खतरा में पड़ जाएगा, हो नहीं जाएगा। 24 में मोदी जी ही आने चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि दिल्ली के अंदर या कोई भी जगह पे सब चीज़ बहुत अच्छा है। रेपुटेशन देखो आप, पूरा हिंदुस्तान भर दंगा बजता है। अब G20 में देखो, चाइना देखो, पाकिस्तान देखो, के रो रहे हैं, कैसे बैठ के रो रहे हैं कि मोदी जी ने कर क्या दिया। हिसाब से मोदी सरकार हिंदुस्तान को चलाने लायक नहीं है, नहीं है। कुछ कोई और चुन ले, कोई हम ना कहेंगे वो हो रहा है, वो नाम नहीं करेंगे। नहीं नहीं, कोई और आ जाए, इसके अलावा कोई और आ जाए। क्या नाम पुष्पांजलि? सर मोदी जी ही आएंगे, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई और पार्टी आती है तो हमारा हिंदुस्तान खतरे में होगा, जरूर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कट्टरवाद ज्यादा बढ़ गया है मेरे हिसाब से। हाँ, कट्टरवाद ज्यादा बढ़ गया। हिंदू मुसलमान करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले नहीं हुए हैं? पहले भी तो हुए हैं, बहुत सारे कांड ऐसे हो चुके हैं और सबको ही पता है ये बात। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मोदी जी ही आएंगे और आने ही चाहिए। मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे हिंदुओं को भी एकता बना लेनी चाहिए और उन्हीं को ही वोट देना चाहिए। कहां से आ गया बीच में? ये मेरा ये कहने का मतलब है, अक्सर आप देखना कि जितने भी मोमडन हैं, मतलब वो लोग कभी मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे मोमडन है वो कभी भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता और हिंदू ही एक सपोर्ट करता है, लेकिन वो उन लोगों की एकता बहुत ज्यादा। और हमारे हिंदू में क्या है कि हमारे में एकता बिल्कुल भी नहीं है। यानी आप भी ये मानते हैं हिंदू खतरे में है? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, इसीलिए आना चाहिए। और हम लोग कभी भी किसी पे अत्याचार, आज तक ना हमारे धर्म में है अत्याचार करना ना कुछ, लेकिन हमें लगता है अगर कुछ भी दूसरी पार्टी आती है तो हमें लगता है कि खतरा हो सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को ही आने चाहिए। तो आप ये करेंगे हिंदुत्व के राहत देश है, इसलिए मोदी जी अच्छे हैं। हाँ। आपका नाम क्या है? गुलशन। क्या लग रहा है 2024? 2024 में मोदी जी ही आने चाहिए हमारे हिसाब से। क्यों आने चाहिए? क्योंकि दिल्ली के अंदर या कोई भी जगह पे सब चीज़ बहुत अच्छा हो रहा है। बीजेपी के राज में लोगों की गलत फहमी है, जो दिल्ली में रह करके मोदी जी को बदनाम करते हैं। बदनाम तो केजरीवाल जी उल्टे सीधे काम जो कर रहे हैं वो लोगों को सोशल मीडिया पे अच्छे से पता है। तो कट्टर ईमानदार है ये, तो सोशल मीडिया को लोगों को अच्छे से पता है कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, पर आप सोशल मीडिया पे कहीं भी कमेंट्स कहीं भी चेक कर लीजिए, वो सबको पता है कि हिंदू राष्ट्र है और सबसे ज़्यादा जो है क्यों हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये सही है, ये अब जो योगी जी अगर आ गए दिल्ली में तब तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। ये अच्छे से पता है यूपी में कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। दिल्ली में आने के बाद अगर योगी जी आ गए अगर दिल्ली के अंदर, तो हमारी दिल्ली भी यूपी जैसी बन जाएगी, जैसी हमने देखी है यूपी के अंदर कि कितना बहुत कुछ अच्छा हो गया है। दंगे फसाद सब चीज़ कम हो गए हैं, अब कुछ ऐसा नहीं है, पर दिल्ली में ये चीज़ बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। मोदी जी को हटाने के लिए 26 दल एक मंच पर आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो कुछ वो कुछ पावर है एक बंदे के अंदर, तभी तो 26 जने जुड़े हैं ना एक साथ। वो अकेला 26 के बराबर है, इसलिए 26 एक साथ जुड़े हैं। एक लाठी से कुछ काम नहीं बनता है, वो इसीलिए ज्वाइंट हुए हैं। उन्होंने भी कहानियां पढ़ी हैं बचपन में, लगता है इसीलिए ज्वाइंट हुए हैं। उन्हें पता है कि उन्हें मात देना आसान नहीं है। महंगाई से, बेरोजगारी से, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तो नहीं लगा, हम भी तो इसी इंडिया के हैं, हम भी तो इसी इंडिया में, हम भी इसी मेरा तो अभी तक हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं बना, फिर भी हमें नहीं लगता। हम आटा भी खरीद के खाते हैं फिलहाल तो, और जिसके इतने इतने बच्चे हैं उनको दिक्कत है बस, और बच्चे का रोक कोई नहीं लगाता। हाँ, आप समझ सकते हो, समझने वाले को सारा काफी है। हाँ, मोदी जी ही आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे को नहीं लगता कि उन्हें नहीं आना चाहिए, उन्हें आना ही चाहिए। और हमें अब नहीं जागरूक हुए तो कभी भी नहीं जागरूक हो पाएंगे। अगर ये हट गए तो किसको ला देंगे? जिनको पप्पू बोलते हैं उनको, वो तो बिल्कुल ही नहीं, मेरे हिसाब से तो वो नहीं होने चाहिए। मेरे हिसाब से दिक्कत है आपको न, उनकी लैंग्वेज आपको भी पता है कि जब वो लैंग्वेज अपना नहीं सुधार सकते तो देश क्या सुधारेंगे? कहाँ लैंग्वेज वो कुछ ही बोलते हैं, उनकी हर बात पे कॉमेडी होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी को ही, मोदी जी बेस्ट इसलिए भी हैं, वो सोच समझ के कदम उठाते हैं हर एक चीज़। जी,
नफरत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं, हमें तो नहीं लगता। नफरत नहीं लगती आपको? मुझे नफरत तो वो फैलाते ही है राहुल गांधी जी, लेकिन हाँ, लेकिन इसीलिए आप समझ सकते हो कि वो एकजुट क्यों हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मोदी जी के आगे सब फीके हैं इस टाइम पे, इसीलिए बस। दिनेश यादव, दिनेश यादव जी क्या देख रहे हैं 2024, क्या करते हैं आप? हम चाय बेचते हैं। तो चाय बेचते हैं। मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा है। हाँ। तो 2024 में किसे लाएंगे? वो मोदी आएगा। मोदी जी आएगा। मोदी जी आएगा। क्यों लगता है मोदी जी आएगा? मोदी जी आएगा, देश को खतरा है। देश को खतरा? हाँ। देश को कहाँ हो गया? देश को खतरा नहीं है, मोदी जी ने आएगा ताकि देश में खतरा है। नहीं, सुरक्षित नहीं है। मोदी जी अगर हट गया तो देश खतरा में पड़ जाएगा। खतरा हो जाएगा? हो नहीं जाएगा। आपको क्यों लग रहा है कि देश खतरे में आ जाएगा? अरे सब पार्टी जो है न, सब पार्टी मिल करके देश को बर्बाद कर देगा, खा जाएगा। और मोदी एक एक मोदी जो है कहला जो सही है। दिनेश राम। दिनेश राम जी क्या? हम बिहार का है। बिहार के? हाँ। तो यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पापड़ बेचते हैं। हाँ। कैसा चल रहा है काम? मेरा काम, मैं जिंदगी तो जी रहा हूँ पापड़ बेच करके, लेकिन इससे ज्यादा पहले हमने गांव में सही था। सही था? हाँ। फिर यहाँ क्या? यह मजबूरी है कि मोदी सरकार के वजह से मुझे आज दिल्ली में आकर फुट फाट पर पापड़ बेचना पड़ रहा है। तो क्या चाहते हैं मोदी? हैं, मैं अपना धंधा VIP चल रहा था, मैं सेठ की तरह जिंदगी जी रहे थे, मेरा धंधा 5 लाख का था, मैं खुद चुनाव, उसने लॉकडाउन लगा दिया ना, 2 साल लॉकडाउन लगाया, उसके वजह से मैं बर्बाद हो गया। नोटबंदी किया, किसे पूछकर किया, अपने मन से कर दिया, उससे पब्लिक कितना परेशान हुआ, अपना घर के गहना, हर कन्या को, हर फैमिली को, हर घर के गहना बेच करके चुरा चुरा कर, सुनिए ना पहले, चुरा चुरा अपने पैसे इकट्ठा किया था अपन सही 2000 बना करके, लेकिन मोदी ने से ना नियम लगाया कि सबका पैसा आउट हो गया। नोटबंदी से आपको क्या दिखा? नोटबंदी से भी हमको परेशानी हुआ, काम करे कि ना, हम बैंक में दौड़े, बैंक में जितना दिन दौड़े अपना पैसा को लेन देन करने के लिए, जितना मेरा काम था हर्जा हुआ, मार्जिन हो गया, मेरा डीआरई कौन दिया? सरकार दिया? नहीं दिया, इसलिए उसे मुझे घाटा हुआ, पब्लिक को भी घाटा हुआ, वो हो गया। आओ कितना जो है ना पैसा वाला व्यक्ति मर गए, हदर के मर गए, हर डॉक्टर चोरी नहीं किया, बहुत सारे डॉक्टर जो है ना अपना 24 में मैं तो उसको सपोर्ट ही नहीं करूँगा, कोई करे ना करे ना करे, इसलिए कि हमको बर्बाद किया हुआ। कहां बर्बाद कर? हम बर्बाद ना कर, हम सेठ की तरह जिंदगी जी रहे थे, गांव में ठेजारी करते थे, मेरा अपना धंधा था, आओ आज मैं रोड फुटपाथ पर पावर बेच रहा हूँ, तो मैं बर्बाद नहीं हो गया उसकी वजह से? हाँ, उसे हम बर्बाद हो गए। मेरे हिसाब से मोदी सरकार हिंदुस्तान को चलाने लायक नहीं है। तो नहीं है, कुछ कोई और चुन ले, कोई हम ना कहेंगे वो हो रहा है, वो नाम नहीं करेंगे, नहीं नहीं कोई और आ जाए, इसके अलावा कोई और आ जाए, भाजपा की सरकार छोड़कर कोई और आ जाए। भाजपा सरकार इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसने इतना सारा काम किया, उन्होंने गरीबों को राशन दिया, घर राशन से क्या मेरा जिंदगी जी जाएंगे क्या? 5 किलो चावल से क्या हम हमारा परिवार जी जाएंगे क्या? नहीं, हम अपना मेहनत से कमा रहे खाएंगे ना, दूसरों को सारे क्या जियेंगे हम? उससे मतलब नहीं है हमको, हम राशन तो आज भी नहीं लेते हैं, राशन तो आज भी हम नहीं लेते हैं। घर दिया, शौचालय दिया, कहाँ दिया, कहाँ दिया, क्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिए, सब फोकस है, सब फोकस है, कुछ नहीं है, सब बेकार है, बेमतलब के लोग हवा बनाए हुआ है। लॉकडाउन में क्या हुआ, जिसके अंदर बीमारी नहीं था उसको दिल्ली से भागो घर। राकेश अरोड़ा। अरोड़ा जी क्या लग रहा है 2024 में, एक तरफ BJP है, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष है? सर जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मोदी तीसरी बार हैट्रिक बनाएंगे, हैट्रिक लगाएंगे, और कम से कम 350 से ऊपर मोदी का सीट आएगा, 350 से ऊपर, ये हमारा वादा है, हम चैलेंज करते हैं इस चीज़। हाँ, भविष्यवाणी पहले मैंने 2014 में कर दी थी, तीसरी बार फिर कि तीसरी बार मोदी हैट्रिक जोड़ेंगे। फिर आपको पता है 26 दल इकट्ठा हो गए हैं, 26 क्या चाहे 26 को 52 हो जाए तो भी मोदी जीतेंगे, और उससे कांग्रेस का उससे भी कम होएगा सीट, 52 से भी कम हो जाएगा। क्यों लगता है? क्योंकि मोदी ने देश को इतना ऊपर उठा दिया। आज पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि गरीबी पहले नहीं थी क्या? 70 साल आपने राज किया, क्या पहले गरीबी नहीं थी हिंदुस्तान में? उससे भी ज़्यादा गरीबी थी। अब मोदी ना देखो, आज हिंदुस्तान की रेपुटेशन देखो, आप पूरा हिंदुस्तान डंगा बजता है, अब G20 में देखो
चाइना देखो, पाकिस्तान देखो, के रो रहे हैं, कैसे बैठ के रो रहे हैं कि मोदी जी ने कर क्या दिया। ये देखते हो पहले आप क्या था यहाँ पे, कुछ नहीं था। तीन महीने सामान उठता था, तीन महीने में डलता था, अब एक हफ्ते में सब कुछ उठ जाता है मोदी के राज में। यहाँ पे लेडी बाथरूम नहीं कर सकती थी, जेंट्स बाथरूम नहीं कर सकता। आप देखो क्या चीज़ नहीं बनाया मोदी जी ने, बताओ। आप कह रहे हैं विश्व में डंका बज रहा है, चाइना पाकिस्तान को दुरुस्त कर दिया है। हाँ जी, लेकिन बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि मणिपुर देखो जल रहा है। सर जी, मणिपुर में पहले भी था ये, आज की बात नहीं है, बहुत पहले से हो रहा था। हाल ताल में नूह में बात में भी घटना हुई। ये बताऊँ, ये सिर्फ कांग्रेस की साजिश है, कुछ नहीं है। और सरकार तो बीजेपी की है, सरकार के यहाँ बीजेपी है, खट्टर जी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। फिर क्योंकि बताओ, जब 14 में खट्टर जी पहली बार सीएम बने थे, जब हुड्डा ने करवाया, कांग्रेस ने करवाया कि भैया किस तरह की, खट्टर नहीं बनना चाहिए सीएम, कुछ जाट बने सीएम हरियाणा का, क्योंकि किसी में मोड़ थोड़ी लगी है। ये जो लोग ये कहते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, सर जी मैं बताओ, परेशान कोई नहीं है। 1,40,00,000 की आबादी है, ठीक है, क्या इतनी जनसंख्या कहाँ से उपकार कर रहा है? मोदी जी के लिए थोड़ी पूरी कर पाएंगे।